क्या बैठे बिठाए आपके पैरों में भी ऐठन होने लगती है, या अगर ज़्यादा देर खेल लिया, चल लिया या फिर खड़े रहे तो ऐठन के साथ दर्द उठता है। वैसे ये समस्या गर्मी में ज़्यादा बढ़ जाती है और इसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं लेग क्रैम्प्स। बहुत ही आम प्रॉब्लम है, पर पैरों में ऐठन और दर्द एक भविष्यवाणी है आगे जाकर पैरों की नसों को होने वाले नुकसान की, इसलिए डॉक्टर्स इसे हल्के में लेने से मना करते हैं। साथ ही इस दर्द से निपटने के लिए हर बार पेनकिलर खाने से भी मना किया जाता है। अब इससे कैसे बचें डॉक्टर से जानते हैं, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि लेग क्रैम्प्स होते क्यों हैं। लेग क्रैम्प्स मतलब अपने पैरों के जो स्नायु है, जो मसल्स है, वो एक सस्टेन स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं, और ये सस्टेन स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में जाने के कारण पेशेंट को सीवियर पेन हो सकता है। अब ये जो पेन है, ये पेन टिपिकली लॉट ऑफ स्टिफनेस के साथ है, मतलब वो पेशेंट अपने पैरों को हिला नहीं सकता, अपने पैरों की जो उंगलियां हैं वो उंगलियों को आप हिला नहीं सकोगे, ऐसी स्थिति निर्माण होती है। तो शुरुआत में ये जो क्रैम्पिनेस है पैरों का, इसका मेन इंपॉर्टेंट कारण है डिहाइड्रेशन, मतलब अपने अपने शरीर के अंदर जब पानी की मात्रा कम हो जाती है किसी भी कारणवश, तो हो सकता है कि वो मसल एकदम स्टिफ हो जाए और एकदम सस्टेनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जिसके कारण क्रैम्प हो। एक कारण है जैसे क्रोनिक डिसीजेस है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है, थायराइड की हाइपोथायरॉयडिज्म है, विटामिन डेफिशिएंसीज होती है जिसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन ई डेफिशिएंसी, ये सब कारण से भी लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं। ऐसे वक्त में जब भी ये लेग क्रैम्प्स की शुरुआत होने लगती है, इमीडिएटली हमको क्लोजेस्ट अपने जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनसे संपर्क में आना जरूरी होता है। इसका ये कारण है कि ये लेग क्रैम्प्स एक इनिशियल डायग्नोसिस ऑफ न्यूरोपैथी में हेल्प करता है, मतलब अगर हमारे पैरों के नसें सूख जाने वाली है या नसों का कुछ तकलीफ होने वाला है आगे चल के, तो शुरुआती तौर पे हमको ये लेग क्रैम्प्स एक सूचना दे सकते हैं कि आगे जाके ये सब चीज हो सकती है, तो इमीडिएटली हमको हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मिलना चाहिए। प्रिवेंशन के तौर पे अगर हम बात करें तो ये लेग क्रैम्प्स प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है कि हमें हमारा हाइड्रेशन या पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, कि हम आउटडोर्स में ज्यादा काम कर रहे हैं, हम हमारा ये जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट है जो वहां पे हमको हमारा एक्सपोजर अगर हीट से ज्यादा है तो जायज है कि वी विल बी लूजिंग लॉट ऑफ वाटर थ्रू स्वेटिंग थ्रू यू नो, तो उस वक्त हमको पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। तो अगर हम कॉमनली देखें तो 4 से 5 लीटर का पानी हमको दिन में पीना होता है, बट अगर हमारा काम आउटडोर्स में है तो हमको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। सिमिलरली ये भी समझना जरूरी है कि अगर हमें हमारा जो लेग क्रैम्पिनेस है वो अगर विटामिन और न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी के चलते हुआ है तो जरूरी है कि हम उसको करेक्ट करें। उसके लिए जो रेगुलर दवाई हमें लेनी चाहिए, जैसे कैल्शियम है, विटामिन डी है, थायराइड की दवाइयां रेगुलरली लेनी है, वो हमको लेनी है, बट ये चीजें हमारे डॉक्टर हमको बताते हैं, तो मेक श्योर दैट ऐसे स्थिति में आप डॉक्टर से संपर्क करें। पेन किलर्स लेना ऐसे स्थिति में थोड़ा सा यू नो आई वोंट सजेस्ट दैट, बिकॉज ज्यादा पेन किलर से हो सकता है कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स और हमारे जो किडनी के प्रॉब्लम्स है वो बढ़ सकते हैं अगर है तो। सो पेन किलर लेना ये डेफिनेटली ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिवेंशन इज स्टिल द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर लेग क्रैम्प्स, एंड इन लेग क्रैम्प्स को प्रिवेंट करना ही डेफिनेटली बेटर है। पैरों में होने वाली ऐठन को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये शुरुआती लक्षण हो सकते हैं नसों को होने वाले नुकसान के। लेग क्रैम्प्स क्यों हो रहे हैं इसकी जांच जरूर करवाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर आप स्विमिंग करते हैं तो अपने कानों को लेकर सतर्क रहें। अगर आप किसी ऐसी जगह तैरने जाते हैं जहां का पानी साफ नहीं है या फिर पानी में बहुत ज्यादा केमिकल्स मिले हुए हैं तो आपके कानों को भारी खतरा होता है।
उसमें तैरने से स्विमर्स ईयर हो सकता है। अगर कानों को सुरक्षित ना रखा जाए तो गंदा पानी कान में जाएगा, ये पानी अंदर जाकर नमी पैदा करेगा, वैक्स के साथ मिलकर वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ को और बढ़ावा देगा। अगर हम कानों के अंदर बार बार उंगली डालते हैं या ईयरबड से उसे बार बार साफ करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा करने से वहाँ की स्किन डैमेज होने लगती है और एक तरह से छिलने लगती है। इससे इन्फेक्शन होने का रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा कारण है कि कान की सफाई ना रखना। जैसे कुछ लोगों के कानों में बहुत ज़्यादा वैक्स होता है और ये वैक्स लगभग कान बंद कर चुका होता है। अब ऐसे में अगर वहाँ गंदा पानी जाएगा तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए और भी अच्छा माहौल मिलेगा। कोई भी चीज़ जो कान के अंदर इन्फेक्शन को बढ़ाने में मदद करती है वो स्विमर्स ईयर का कारण बनती है। इसलिए स्विमिंग के दौरान कानों पर कवर लगाएं, साथ ही हर कुछ समय पर कानों को किसी एक्सपर्ट से साफ करवाएं। खुद ईयरबड से या तीली से वैक्स निकालने की कोशिश मत करिए, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। पराठे बहुत पसंद है तो ये छोटी सी टिप आपके लिए है। अगर आपको हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की शिकायत है तो पराठे के साथ अचार मत खाइए, बेस्ट है आप पराठे के साथ छाछ पीजिए। एक बात और, अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो पराठे के बदले रोटी में सब्जियां या फिर सत्तू भरकर खाइए, ये ज़्यादा हेल्दी है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक जरूरी सूचना, अब आपको बता दें कि ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज, एलटी प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग, आपसे करेंगे लाइव चैट और देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट और कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में भी कर पाएंगे। अब इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा, फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा आपको ललन टॉप मजा। तो सब्सक्राइब करिए अभी। सूचना समाप्त, शुक्रिया।